तो गाइस फाइनली पहुंच गए हम लोग महाकाल के नगरी उज्जैन में। यहाँ पे पूरा गंदगी फैला हुआ, यहाँ पे आदमी बैठा हुआ, यहाँ पे अबे क्या है का ट्रॉफी थाली वाली सब फेंका हुआ यहाँ पे। तू कहाँ घुस रहा है यहाँ? और ये काली कॉफी यहाँ तो सारे भर जाते हैं पूरा। निकलने का रास्ता तो है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आज फिर से हम लोग निकल गए घर से और से एक ट्रेन जर्नी होने वाला है। ट्रेन का नाम है शिप्रा एक्सप्रेस, जो कि हावड़ा स्टेशन से इंदौर तक जाती है और हमें फर्स्ट स्टॉपेज से बिल्कुल लास्ट तक कवर करना है। ट्रेन नंबर है 22911। टाइम हो रहा है अभी 5:30 और इसका जो डिपार्चर टाइम है वो है 5:45 शाम का। तो बस हम लोग पहुँच गए हैं, लगेज वगैरह रख दिए हैं भीतर और जो बुकिंग है हमारी वो है इस बार 3E। तो चलो भीतर चलते हैं और दिखाते हैं 3E। तो मैं टॉयलेट आया हुआ था तो देख लो कैसा है। ये एक काफ़ी अच्छा सा लाइट लगा हुआ है यहाँ पर। एक वेस्टर्न टॉयलेट, ये फ्लश और इसे ये लग नहीं रहा था तो मैं ये वाला लगा दिया। ऐसे हो गया स्लाइडर है इसका डोर और ये भाई साहब बैठे हुए हैं। अपना सीट मस्त है, अपने को सीट फिर से मिला है साइड अपर और साइड लोअर, जस्ट एंटर करते ही फर्स्ट वाला मिला है ना। सो गाइस टाइम हो गया और बिल्कुल राइट टाइम पे ट्रेन खुल गया है हमारा। फाइनली महाकाल का बुलावा आया और अपने जा रहे हैं उज्जैन। जब हमारा जर्नी शुरू हो गया है हम लोग चल रहे हैं उज्जैन की तरफ, लेकिन पहले हम लोग इंदौर जाएंगे, वहाँ से ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर टू हम लोग महाकाल जाएंगे। तो हमारी जर्नी शुरू हो गई है, सो हम लोग अपडेट देते रहेंगे। हम लोग शुरू करते हैं यही बोल के चला जय श्री शाम के 6 और हम लोग ले लिया है ये मोड़ी जो कि काफ़ी अच्छा लगता है विजय भैया बंगाल की मोड़ी जिंदाबाद। हाँ यार, ट्रेन में जैसी मोड़ी मिलती है ना वैसे और कहीं नहीं मिलती, बस बहुत टेस्टी होती है। सात बज के 12 मिनट और अभी हम लोग पहुंचे हैं बर्धमान। अभी टाइम हो रहा है 8:30 और भाई साहब का मूड भी अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ सही है, विंडो बिल्कुल वैसा ही है जैसा 3AC में होता है। थोड़ा सा हॉस्पिटैलिटी वाला सा फील आ रहा है मुझे और यहाँ पर मिला है बॉटल होल्डर। जय अंकल आए थे यहाँ से बेडशीट और पिलो एक्सचेंज करने, अभी कोई है नहीं अटेंडेंट इसके अंदर। मोस्टली दिखाई दे रहा है कि जो भी बेडशीट वगैरह है काफ़ी गंदे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे धुलाई नहीं है।
गाइस, टाइम हो रहा है 8:49 और माहौल बन गया है बिल्कुल सोने वाला ट्रेन में। वैसे मैं इंतज़ार कर रहा था रात होने का, क्योंकि यार शाम को बड़ा बोरिंग सा लगता है बैठे बैठे, और रात का ट्रेन बिल्कुल सही होता है, जल्दी रात हो जाता है, खाओ पियो सो जाओ, टाइम जल्दी कट जाता है। अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने फाइनल। ये ऊपर वाला बर्थ है, इसमें एक रीड लाइट है और ये मोबाइल स्टैंड है। इसका जो चार्जिंग पॉइंट है वो USB का है और नीचे प्लग है, USB दोनों ही दिया हुआ है। अरे तो भाई अपना खाना पीना सब हो गया सेट, टाइम हो रहा है 9:17 और अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। ये देखो कितना गंदा सारा बेडशीट वगैरह गंदे, चुन चुन के लेना पड़ेगा बेडशीट वगैरह, सबको गंदा ही मिल रहा है, क्या पता क्यों ठीक से वॉश हुआ नहीं है, पुराना आइटम है क्या। बंद भी नहीं होता, अटकता है बार बार। चलो आप ऊपर जाओगे या मैं? तुम जाओ। चलो ठीक है मैं जाता हूँ, अपना कर लो बैटिंग और मैं कर लूँगा। टाइम हो गया 10:25 और अब हम लोग जा रहे हैं सोने। अभी हम लोगों ने क्रॉस किया है धनबाद, अब काफ़ी नींद आ रही है। चलो सोते हैं और वीडियो कंटिन्यू करता हूँ कल सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस, टाइम हो रहा है 10:30 और अभी मैं सोकर उठा हूँ। और भी इस कहीं मानिकपुर स्टेशन था, विंडो पे धूप बहुत अच्छी आ रही है इसलिए विंडो पे बैठा हुआ हूँ मैं बहुत देर से। बाहर से काफ़ी गंदा है, क्लियर सा नहीं। टाइम हो रहा है 11:46 और अभी हम लोग है सतना जंक्शन। भाई साहब फोटो रहते हैं हमेशा। ये मैयर देवी स्टेशन, हर चीज में स्पेस काफी कम है, पॉकेट टॉयलेट के अकॉर्डिंग स्पेस कम है। ये बेसिन वगैरह बहुत छोटा है, बाहर भी इतना छोटा है कि हाथ पर भी ठीक से नहीं धो पा रहे हैं। वेंटिलेशन के लिए कुछ भी नहीं है, बस यही था। साफ सफाई अभी तो सुबह का वक्त तो साफ रहने का तो जानते ही, सुबह हो गया मतलब अब टॉयलेट साफ दिखेगा भी नहीं वैसे भी। हाँ वैसे तो हमारा ट्रेन अभी 1:07 लेट है और देखते हैं मैनेज कर देगा। डेली तो हम लोग शेड्यूल फॉलो किए, इसका टाइम पे ही जा रहा हूँ। वैसे ही पहुँचना है रात 12:00 बजे के आसपास। रफ्तार तो काफ़ी अच्छी है अभी। A few moments later. अच्छा।
गाइस टाइम देख लो, अभी हो रहा है 2:41 और अभी करने को कुछ भी नहीं है। नींद आ रहा है वैसे भी, तो जा रहा हूँ मैं अभी सोने के लिए। भैया नीचे ऐसे ही बैठे हुए हैं, वो भी सोएंगे क्योंकि हमारा ट्रेन तो रात को पहुँचाएगा 1 बजे के आसपास, तो इट्स बेटर कि अभी सो लेते हैं, अभी वक्त है, फिर रात में हरासमेंट हो सकता है। चलो शाम को वीडियो कंटिन्यू करता हूँ फिर। यहाँ पे पूरा गंदगी फैला हुआ है, यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है, यहाँ पे अभी क्या एक का ट्रॉफी थाली वाली सब फेंका हुआ है यहाँ पे। अच्छा चलो अब इसको भी अंदर से भी साफ करो, तो वहाँ से मुझे साफ करना, वहाँ से साफ करो। ठीक है, हाल हो गया रखा है कि विदाउट एनी कमिंग एक्शन ही नहीं हो रहा, अंदर से भी साफ करो। हाँ जी के बाद में कितना काम हो गया, अदरवाइज से नया क्या जगह सो गया है सारी मंजिले, सारी मंजिले। और ये कारी कॉफी यहाँ तो सारे भर जाते हैं पूरा, निकल के रास्ता तो है। पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा उस तरफ है, इधर तो पूरा अंधेरा है। हम लोग बीना स्टेशन में और यहीं के लिए इतनी भीड़ हो रही थी, अभी फाइनली जाके भीड़ ख़त्म हुआ है। हमारे कोच में लग गया था, बहुत ही एक्स्ट्रा वॉशरूम जाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, इतना बड़ा स्टेशन है, तो जंक्शन है। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 9:15 और हम लोग हैं ऑलमोस्ट भोपाल के पास। क्या स्टेशन का नाम है मुझे याद नहीं है, इसका काफ़ी लंबा नाम है। अभी हम लोग पोहा खा रहे हैं, स्टेशन से लिया हमने। स्टेशन में सो गाइस फाइनली पहुंच गए हम लोग महाकाल के नगरी उज्जैन में, लेकिन अपने को तो यहाँ उतरना नहीं है, यहाँ 15 मिनट के स्टॉप है जिसके प्लेटफॉर्म पे आ गया। सो गाइस फाइनली 1:12 हो रहा है और अभी हम लोग पहुंच गए इंदौर जंक्शन। चलो ठीक है गाइस, पहुंच गए हम लोग इंदौर। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।